अब बात करते हैं शिवसेना के उस सांसद की जिसके लिए सड़क से संसद तक चप्पल मार सांसद का समर्थन वो करती रही। अपने सांसद को क्लीन चिट देने के बाद वो अब संसद के जरिए उन पर लगे एयरलाइंस के बैन को हटाने की कोशिश में लगी है। एक तरफ संसद में वो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला चुकी है तो वहीं सड़क पर भी अपने सांसद के लिए समर्थन दिखा रही है। सांसद के संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद में आज बंद रखा गया और उन पर लगे बैन को हटाने की मांग भी की। आपने शिवसेना सांसद की चप्पलबाजी देखी। मुझे अरेस्ट करे दिल्ली पुलिस, मेरा पार्टी उद्धव साहब देखेंगे। मारा ये साहब, एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है। आपने चप्पल मार सांसद की ठेकड़ी देखी। तो फिर संसद से सड़क तक हंगामा क्यों है बरपा? एक सांसद प्लेन में बदसलूकी करता है, एयर इंडिया के कर्मचारी को एक के बाद एक 25 चप्पल मारता है, एयरलाइंस के कर्मचारी को प्लेन से नीचे फेंकने की धमकी देता है। फिर भी शिवसेना को अपने सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बर्ताव में कुछ भी गलत नहीं दिखता। तभी तो शिवसेना सड़क से संसद तक अपने सांसद के साथ खड़ी दिख रही है। गायकवाड़ को नो फ्लाइंग लिस्ट में डालने के खिलाफ शिवसेना ने संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और बैन हटाने की मांग की। शिवसेना को अपने सांसद महोदय की चप्पलबाजी गलत नहीं दिखती, उसे अगर कुछ गलत नजर आता है तो वो उन पर लगा बैन। और तो और, रविंद्र गायकवाड़ के साथी सांसद एयरलाइंस के इस बैन को गलत साबित करने की मिसाल भी दे रहे हैं। संसद में दलील दे रहे हैं कि अगर एयरलाइंस ने शराब पीकर प्लेन में बदसलूकी करने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा पर बैन नहीं लगाया तो फिर गायकवाड़ के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? एक बड़ा आर्टिस्ट कपिल शर्मा दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, दारू पी के हंगामा किया, कर्मचारी को मार दिया, खाली उसकी इंक्वायरी चल रहे, लेकिन उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। एमपी को ऐसा, लेकिन एमपी जो रिप्रेजेंट करता है, देश को रिप्रेजेंट करता है, अपने चुनाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, सेशन चालू है और ऐसे हालत में उसको पाबंदी लगाना, वो भी सभी एयरलाइंस ने, तो सरकार ने ये सीरियसली देखना चाहिए। इस मुद्दे पर शिवसेना की हिमायत करने वाले सांसदों की भी कमी नहीं है। जब तक एमपी दोषी न पाया जाए, अगर दोषी पाया जाएगा तो आईपीसी के तहत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आप यू गिव नोटिस कर देंगे। यू गिव नोटिस। अब भला इन सभी सांसदों को ये कौन समझाए कि एयरलाइंस ने रविंद्र गायकवाड़ पर बैन लगाने की कार्रवाई एक यात्री के तौर पर की, ना कि एक सांसद के तौर पर। डीजीसीए हु इज द रेगुलेटर ऑफ सेफ्टी गेव अ कार आउट अ सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट which empowered the airlines to deny boarding to any passenger. It's not deny boarding to an MP. संसद में मोर्चा खोल चुकी शिवसेना ने अपना विरोध सड़क पर भी दिखाया। रविंद्र गायकवाड़ के संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में सांसद पर बैन के खिलाफ आज बंद रखा गया। जगह जगह रास्ता रोका गया और एयर इंडिया के पुतले जलाए गए।